सब मेरे फ्रेंड्स क्या हाल है, सबके उम्र सब खैरियत से होंगे। अलहमदिल्ला हम सभी भी ठीक ठाक फटाफट है। यहाँ मैं अफ्तारी बनाने के लिए आई हूँ, सोचा थोड़े से पकौड़े बना लूँ। अफ्तारी तो क्या, बस थोड़े से पकौड़े बनाने आई हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गैस बिल्कुल जो है ना चली जाती है एंड अफ्तारी के टाइम पर, और सैर में भी ये हो रहा है, अफ्तारी में भी ये हो रहा है। लेकिन सैरी तो ये हम थोड़ा पहले जो है ना अपनी चीज़ें वगैरह रेडी करके रख लेते हैं। तो ये है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पूरी ये बहुत ज़्यादा मैंने कहा इसी तरह काट ली। थोड़ा सा पुदीना और दो ये हरी मिर्चें, ये इसमें मसाले डालेंगे। नमक है, ज़ीरा है, पिसी हुई काली मिर्चें हैं, पिसा हुआ भुना ज़ीरा है, कुटी हुई मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्ची, और बिल्कुल ज़रा सी वन पिंच के हिसाब से आप हल्दी उससे के साथ ना बिल्कुल ले देगा। मैं आलू के पकौड़े तलूँगी, और ये मैंने बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज के जो लेफ्ट ओवर आलू छोटे छोटे बच जाते हैं ना इस तरह से छोटे छोटे से, तो उनको मैं ये चिप्स की तरह फ्राई कर लूँगी बच्चों के लिए। बेसन मैं आलू के पकौड़ों के लिए बना रही हूँ, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, नमक डाला है और सोडा। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने डेट्स निकाली हैं और स्लिट करके डेट्स को मैं वॉश करके स्लिट करके घुटले निकाल के ये नट्स डालूँगी, और फिर उसके ऊपर मैं मलाई जो है ना लगाऊँगी। बड़े मज़े की ये बनती हैं और बहुत ज़्यादा वैसे ही ताकतवर होती हैं, और भी माशाल्लाह अच्छी हो जाती हैं, टेस्ट में भी बहुत मज़े की होती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्रंची क्रंची सी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बड़ी ही मज़ेदार यम सी होती हैं, अंदर से वो क्रंच क्रंच आ रहा होता है इसे च्यूइंग करते हुए। ये जान, ये वाला मम्मा का है, ये आप दोनों का। चलो अजानों का टाइम हो रहा है बेटा, बस बैठो थोड़ा दस्तरखान पे, दुआ वगैरह मांगिए। फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं, पकौड़े तो बने नहीं हैं बिल्कुल भी, पकौड़ों का कोई प्रोसेस तैयार नहीं हुआ। गलती इस चीज़ की हो गई कि मैंने अम्मी को भी बेचारी हूँ कह दिया था कि आप लोग बंदोबस्त नहीं करिएगा, मैं आप लोग को आलू प्याज के पकौड़े, आप लोग पकौड़ों की तैयारी नहीं करिएगा। अब मुझे इतना वो हो रहा है कि बताओ ज़रा टाइम क्या हो रहा है, 7:45 के करीब हो रहे हैं, और ये है कि गैस बिल्कुल भी है, चूल्हा जल ही नहीं रहा है। तो ये है कि बस अब मैं अम्मी को फ़ोन करके बोल देती हूँ, बता देती हूँ कि अम्मी कुछ भी पकौड़े वगैरह तो बने ही नहीं है, अफसोस। मजे गए, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ गई है, नमाज़ मैंने पढ़ ली है मगरिब की, बस अब जल्दी जल्दी पकौड़े फ्राई करते हैं। रोज़ा तो खोल लिया, शुक्र है अल्लाह का, अब फ्राई करते हैं, उसके बाद हम भी खाएंगे और अम्मी के लिए भी भेजेंगे। ये आलू के पकौड़े,
रहा है, आपको नहीं बुला रहे। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बन गई हैं। अब इसमें चिप्स बनाई हैं, ये इनको मैं खुला खुला थोड़ा इसलिए रखती हूँ ताकि जो है ना थोड़े क्रिस्पी से रहें, सॉफ्ट ना हो। और ये तो बनी क्रंची से हैं, ये देखें। थैंक यू। मिर्चे तो नहीं लग रही? गुड। मियाँ जी आ गए हैं, उनके लिए मैंने ये पकौड़े गरम करे हैं और बड़े अच्छे गरम हो जाते हैं। बिल्कुल हल्की सी आप आँच के ऊपर इनको गरम करने रखें ना, तो ये देखें इस तरह से क्रंची क्रंची भी हो जाते हैं और अंदर तक गरम हो जाते हैं। और ये मैंने ये लें, ये डेट्स आपके लिए। इसमें मैंने बादाम भी डाला है, पिस्ता भी डाला है। नहीं, हमने अपनी खा ली। और फ्रेंड्स इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फ्रेश मलाई डालिएगा, दूध की फ्रेश मलाई ऊपर से लगाइएगा। और ये हमारे शरबत दोबारा से मियाँ जी के साथ। अरे हाँ, वो तो भूल ही गई मैं, ये पापड़ फ्रेंड्स मैंने जो है शॉपर में रख दिए थे, वरना तो ये सब सॉफ्ट हो जाते। ये भी मैंने मियाँ जी के लिए रखे थे। ये अच्छी लगी खजूर है ना? थैंक यू। रानू तो सो गए थे, अभी उठाया है मैंने लानू को। पकौड़े ठंडे हो रहे हैं, पहले पकौड़े खा लें। चलिए जी फ्रेंड्स, चलते हैं हम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो महीने याद रखिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और थोड़ा गैस की शॉर्टेज की वजह से थोड़ा कुछ आगे पीछे चीज़ें हो गई, बट कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया पी लिया। मज़े के बने पकौड़े जी, मज़े के बने ये वाले पकौड़े। थैंक यू। अभी यही ट्राई कर रहे हैं, आलू के भी बड़े अच्छे बने। चले जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय जी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा सब, बहुत बहुत।